नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारी एक खास पेशकश में। शहडोल के जेतपुरा से लापता किशोरी का लाश 4 दिन बाद कुएं से अर्धनग्न हालत में बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। किशोरी के लापता होने पर परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दुष्कर्म हत्या की आशंका के चलते ग्रामीणों में खासा रोष देखा जा रहा है। गुस्साई भीड़ ने किशोरी का शव सड़क पर रखकर पुलिस से गंभीरता से जांच करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को भरोसा दिलाया कि जांच में दोषी मिलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाड़ा से सरपंच बोल रही हूँ, मैं इस बाड़ी को यहाँ से नहीं जाने दूंगी, चाहे 4 दिन या रात रोज पूरे गांव के अनशन बैठाऊंगी और न्याय दिलवाऊंगी। सरकार का बोल रही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और बेटी का यहाँ टोली की मतलब जगह में अर्थ उठ रही है, यही है सरकार की न्याय। और ये कौन सा न्याय नहीं मिल रही है? ये छठवां केस है। छठवां केस है जी। तो आप इससे क्या चाहते हैं? लाश नहीं जाने देंगे आप? नहीं, जब तक छानबीन नहीं हो जाए, मुलजिम को पता चल जाए तब हम जाएं, मिल जाए अगर मुलजिम तो सीधे फांसी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन को क्या कहना चाहिए? हम यही मांग रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए बस, और सीधे अगर मुलजिम मिल जाए तो उसको फांसी सजा होनी चाहिए। खाड़ा से सरपंच बोल रही हूँ मैं। जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड पंकज जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 4 दिन से लापता हुई किशोरी का शव कुएं से अर्धनग्न अवस्था में मिला है। देखिए काजल, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है 13 नवंबर की घटना है जी। बच्ची घर से गायब हुई, परिवार वालों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, पुलिस उसकी तहकीकात करती रही जी, लेकिन बच्ची नहीं मिली। उसके बाद में 16 नवंबर यानी आज से 2 दिन पहले उस बच्ची की एक कुएं के अंदर अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली जी। परिवार वालों ने शक जताया कि उसके साथ में गलत हरकत हुई है, बलात्कार हुआ है, उसके बाद में उसकी हत्या हुई है जी। और परिवार ने बाकायदा शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन भी किया और ये कहा कि जब तक इसके बारे में तहकीकात नहीं हो जाती, इसके बारे में मामला सामने नहीं आया, तब तक हम जो है इसका दाह संस्कार नहीं करेंगे जी। लेकिन प्रशासन ने समझा बुझा कर उसका दाह संस्कार कर दिया जी। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात ही काजल ये है कि जी 16 नवंबर को ये लाश मिली है, 16 नवंबर की रात में पोस्टमार्टम किया गया है जी। अभी तक प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहा है। एक बड़ा आश्चर्य होता है कि पोस्टमार्टम की शॉर्ट पीएम रिपोर्ट तो तुरंत आ ही जाती है जी। आखिर पीएम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही, जबकि पूरा गांव ये कह रहा है कि बालिका के साथ में कुछ गलत हरकत हुई है, क्योंकि पूरा गांव ये भी कह रहा है कि पिछले साल भर में इस तरह की 6 घटनाएं आसपास और इस गांव में हो चुकी हैं जी। घोर आश्चर्य की बात है कि प्रशासन आखिर क्या कर रहा है, वहां पर जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं जी। अभी तक जो है इस मामले में रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट का नहीं आना इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जी। और साधना न्यूज जो है लगातार इस पर खबर दिखाएगा और ये चाहेगा कि परिवार जनों को जो है वो इस पर न्याय मिले जी। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट सामने आए, क्योंकि जब अर्धनग्न अवस्था में बालिका मिली है तो किसी भी तरह की गलत चीज की आशंका हो सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो भी तथ्य हो वो सामने लाए जाए जी। पंकज जी बिल्कुल, क्यों आखिर क्या वजह हो सकती है कि बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ पा रही, आखिर क्या वजह हो सकती है? क्योंकि परिजन जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा बड़ा ग्रामीणों में भी आक्रोश कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो इसकी आखिर क्या वजह हो सकती है, क्यों रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है? देखिए, कोई तकनीकी मामला हो सकता है, लेकिन जहां तक हमें पता है इस तरह कई घटनाएं हम लोग देख चुके हैं जी। पीएम रिपोर्ट का सामने नहीं आना, हमारे जो रिपोर्टर है वहां पर निखिल, उनसे भी बातचीत हुई, उनका हिसाब कहना था कि जब उन्होंने वहां के जो स्वास्थ्य अधिकारी थे उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि देखिए अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि प्रशासन की निर्देश के बिना, आदेश के बिना हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो यानी उन्हें ये कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट लीक नहीं की जाए, लेकिन बहुत स्पष्ट आशंका इस बात की है कि रिपोर्ट सामने नहीं लाई जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि स्थानीय प्रशासन ये ना चाहता हो कि वहां पर इस तरह की घटना जो है वो दर्ज हो, क्योंकि जब इस तरह की घटना को दर्ज होती है तो वहां के पूरे प्रशासन पर इसकी जो है वो सुई घूमती है, पूरे प्रशासन पर दबाव आता है कि आखिर ऐसी घटना कैसे हुई,
विपक्ष को इसका मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन जो है इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि साधना न्यूज इस पर प्रमुखता से इस मुद्दे पर बात कर रहा है और वो ऐसा होने नहीं। बिल्कुल पंकज जी, क्योंकि जैसे कि हम बात करें प्रदेश के मुखिया की, तो प्रदेश के मुखिया भी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लगातार चला रहे ताकि इस तरह की घटना घटे नहीं। जी पंकज जी, निश्चित रूप से काजल जी, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार इस पर बातचीत करते आ रहे हैं और ये हर कलेक्टर को जो है ये साफ निर्देश है कि किसी भी तरह के मामले को, इस तरह के मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए, तुरंत न्याय दिलवाया जाए। और तब जबकि ये मामला नाबालिग बच्ची का है, गरीब परिवार का है, ऐसे में आखिर स्थानीय प्रशासन कैसे अनदेखी कर सकता है इस पूरे निर्देश की, ये एक अपने आप में बड़ा आश्चर्य। मुझे लगता है कि काजल जी जो हमारे रिपोर्टर हैं निखिल जी, यदि उनसे बात की जाएगी तो वो बहुत स्पष्ट तौर पर इस वक्त अपडेट क्या है वो भी दे पाएंगे। लेकिन ये बहुत स्पष्ट बात है कि इस पर गांव के लोग बहुत आक्रोशित हैं, वहां के जो सरपंच हैं वो बहुत आक्रोशित हैं, परिवार के लोग दुखी हैं बहुत, वो भी गुस्से में हैं। और यदि इस मामले पर जल्दी ही प्रशासन की रिपोर्ट सामने नहीं लेकर आता है तो हो सकता है कि बड़ा जन आंदोलन हो और इस मामले की जो है पूरे प्रदेश में इसकी गूंज हो। जी पंकज जी, हमारे साथ शहडोल से इसी खबर की अधिक चर्चा करने के लिए संवाददाता निखिल भी जुड़ चुके हैं। जी निखिल, जैसे कि हम देख रहे हैं 4 दिन से बच्ची का लापता शव मिला है कुएं में अर्धनंग अवस्था में, विस्तार से जानकारी बताएं फिलहाल ताजा अपडेट क्या है। जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी भी मेरी उनके पिताजी से बात हो रही थी जी। उन्होंने पूरी घटनाक्रम की जो जानकारी थी उससे पता चला कि 13 तारीख की रात को जब बच्ची घूमी जी, उसके बाद और रात भर जब उन्होंने छानबीन की तो मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद 14 तारीख को उन्होंने FIR दर्ज कराई, तो उनका कहना यह था कि प्रशासन द्वारा भी थोड़ा लेट लतीफी की गई जी। FIR के बाद खोज दूरबीन में, उसके बाद 14 को रिपोर्ट करने के बाद जब उनके घर से 200 मीटर के करीब दो जो कुआं स्थित था वहां पर जब बच्ची की लाश मिली जी, तो वहां पर देखा गया कि जिस अवस्था में थी वो प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ हो, किंतु जब बॉडी PM के लिए भेजी गई तो अभी तक प्रशासन द्वारा PM की रिपोर्ट नहीं भेजी गई। किंतु शिवनारायण तिवारी जी द्वारा बताया गया जी कि कल जो जयपुर की एसआई मैडम उनके द्वारा दिखाया गया था कि बेटी द्वारा कुछ ऐसे कनेर के दाने जैसे जहर टाइप का कुछ ऐसा खाया गया जिसके कारण से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा पहली दृष्टि से बताया जा रहा है जो PM की पहली रिपोर्ट प्राप्त हुई है। जी निखिल जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं परिजन दुष्कर्म हत्या की आशंका के चल आशंका का भी आरोप लगा रहे हैं और वहीं कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भी इसको देखते हुए काफी रोष और आक्रोश देखा जा रहा है। जी निखिल जी जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश है क्योंकि एक ये क्षेत्रीय घटना है इसलिए इतना ज्यादा इसको बड़ा तोल नहीं मिल रहा है, किंतु अगर ऐसी ही घटना भोपाल या इंदौर में हुई होती आज कितने लोग इस पर श्रद्धांजलि अर्पित करते मिलते। अगर ये छोटी जगह घटना है इतना बड़ा हाइप नहीं मिल पा रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है क्षेत्रीय प्रशासन का थोड़ा कमजोर होना। अगर प्रशासन अपनी जानकारी अपनी प्रस्तुति तेजी से करे जरूर ही हम उन अपराधियों के पास पहुंच पाएंगे जिन्होंने इतना मानवता को सर्वसार करने वाला अपराध किया। और जो मैं आपको बता दूं कि पिताजी द्वारा जब बात हो रही थी उन्होंने बोला कि मेरी कुछ मांगे हैं कि अगर जितने भी अपराधी मिलते हैं सबको फांसी की सजा दी जाए। गांव के जो सरपंच थे उन्होंने भी यही बोला कि अपराधियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और फांसी की सजा दी जाए, साथ ही मामा जी का बुलडोजर चलाया जाए घर पे और घर को नष्ट किया जाए। जी बिल्कुल निखिल, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर और ग्रामीणों में भी रोष प्रदर्शन है आगे भी, और वहाँ पे कितनी सारी ऐसी बालिकाएं बच्चे हैं जो अपने आप को खुद को सेफ फील नहीं कर पाती इस तरह की अगर वो घटना देख ले, तो इस पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि चलो ये बच्ची के साथ हुआ, आगे भी कितने सारे बच्चे वहां पर रहते हैं, ग्रामीण इलाके में बच्चियां रहती हैं, आखिर क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? वो लोग कैसे, वो भी अपने आप को फिर सेफ फील नहीं कर पाएंगी? देखिए इतना बड़ा जघन्य अपराध होना नौवीं क्लास की बच्ची के साथ, पिताजी द्वारा बताया जा रहा था कि पूर्व में भी कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी है किंतु इतना बड़ा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। और जो उनके बच्ची के साथ हुआ वो किसी भी बच्ची के साथ ना हो, उनका ये कहना था कि मैं कितना अंतर्मन से दुखी हूँ, हम सब अंतर्मन से दुखी हैं, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, इतना निर्भरता से उनको मार दिया गया और उसके बाद तालाब में कुएं फेंक दिया गया। आप प्रथम दृष्टि में जब वीडियो में देखेंगे भी तो इतना आक्रोश पैदा होता है खुद में कि क्या बोला जाए, ऐसा कुछ प्रथम दृष्टि से प्राप्त होता है। ग्रामीणों द्वारा बताया भी जा रहा था कि अगर भविष्य में कार्रवाई नहीं होती है तो वह चक्का जाम करेंगे और रौद्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। कल कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष भी वहां गए थे जी, उन्होंने भी वहां जाकर जानकारी ली, उसके बाद उन्होंने भी बोला कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा आमरण अनशन का प्रोग्राम करेंगे जी।
तो जब वो वहां पर गए तो इस पर फिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई उनने कुछ निष्कर्ष निकाला कि नहीं बच्ची को न्याय मिलना चाहिए? जी आवाज नहीं है जी। निखिल जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसे आप बता रहे कि वहां पर वो गए थे और उन्होंने चर्चा की थी, तो आखिर इस पर फिर कोई एक्शन लिया इस मामले में कि नहीं बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं परिजन भी इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं उनको कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए। जी बिल्कुल जी, जहाँ तक प्राप्त जानकारी मिली है वहां पर कल भी पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय जी गए थे, उन्होंने भी जाके वहां पर ग्राउंड में जानकारी ली और संभावना दी है कि जल्द से जल्द अपराधियों को ढूंढा जाएगा और जो भी कड़ी से कड़ी सजा होगी वो उनको प्रदान की दी जाएगी। आखिर जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस भी गंभीरता से जांच कर रही है और जांच की मांग भी परिजन कर रहे हैं, तो क्या कुछ जांच में सामने निकल के आ सकता है? जी निखिल जी, जहां तक अभी मेरी बात हुई थी मेडिकल कॉलेज शेड्यूल में भी, तो उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक लैब में जांच की रिपोर्ट दी गई है, उसको आने में अभी 24 से 72 घंटे लगते हैं। किंतु मैं प्रशासन से ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इतना बड़ा जगह मामला है, अभी तक पीएम रिपोर्ट सामने नहीं आई है, पाई है, और जब बात की जाती है पीएम रिपोर्ट की तो बताया जाता है कि अभी टाइम लगेगा, अभी 3-4 घंटे, जबकि पीएम रिपोर्ट सामान्य तौर से 4-5 घंटे में जाती है। तो अगर मामले में ढील दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं परिजनों को आशंका होती है कि मामले में कहीं बड़े किसी व्यक्ति का सामना तो नहीं है, इस कारण से लगातार देरी की जा रही है। और मैं व्यक्तिगत रूप से मैंने फोन किया मेडिकल कॉलेज, जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि अभी डीएनए की जांच चल रही है, उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी आपको बताई जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो शहडोल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बच्ची का अर्धनंग अवस्था में शव मिला है, और इसके साथ ही पंकज जी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जैसे कि अभी हमने हमारे संवाददाता से भी बात करी और उन्होंने भी यही बताया कि रिपोर्ट टेक्निकल इशू है, कुछ नहीं मिल पा रही है उनको वहां पर, तो ऐसा उनसे चर्चा हुई है। जी पंकज जी, देखिए जो निखिल कह रहे हैं उसमें बात जो है बहुत पॉइंट करने लायक है। जी वो कह रहे हैं कि जब उनकी एसआई से बात हुई तो उसने कहा कि कुछ उसने बच्ची ने बीज खाए थे, आज 24 घंटे बाद में जब तक कोई बातचीत नहीं हुई और अचानक जब पीएम रिपोर्ट की बात की जा रही है तो वो नहीं दी जा रही, और ये कहा जा रहा है कि उसने कोई बीज खाए थे, यानी कि कहीं न कहीं हो सकता है कि इस मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की जा रही हो, सुसाइड कहने की कोशिश की जा सकती है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है ये हो सकता है, मुझे लगता है इस पर जो है मैं फिर से कहना चाहूंगा साधना न्यूज के माध्यम से कि सदन लगातार इस मुद्दे पर खबर हम दे रहे हैं आपके माध्यम से, और हम भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर परिवार को न्याय मिले और जो भी घटनाक्रम जो सच्चा है वो सामने आए। बिल्कुल पंकज जी, दिल दहलाने वाली घटनाएं। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक सहित कई नेता भी वहां पर पहुंचे थे मृतक के निवास पर। जी पंकज जी, उसके बाद बिल्कुल सही बात है जी, वहां पर देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, राजनीतिक लोग वहां पर मौजूद हैं, खुद विधायक वहां पर मौजूद हैं, आम जनता विरोध कर रही है, परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद पीएम रिपोर्ट का नहीं आना और ये कहा जाना कि उस लड़की ने कोई बीज खाए थे, कहीं न कहीं कोई किसी गहरे षड्यंत्र की आशंका हो सकती है, बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है और हम चाहेंगे कि सारे सवालों का जवाब प्रशासन तुरंत दे। पंकज जी, जैसे बताया कि गांव की सरपंच ने भी बताया कि बीते कुछ वर्षों में गांव की इस तरह की 6 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, मतलब 6 घटना के बाद आज एक घटना फिर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि 6 घटना होने के बाद भी आज फिर एक घटना हुई है और उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। देखिए बिल्कुल काजल आप सही कह रही हैं, हम फिल्में देखते हैं, फिल्मों में घटनाक्रम होते हैं कि लगातार किसी जगह पर कोई घटनाक्रम होते हैं, कोई सीरियल किलर भी होता है और उसके प्रशासन उसकी कार्रवाई करता है, लेकिन ये तो वास्तविक रूप में हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये शहडोल का एक जेतपुर जो गांव है यहाँ पर वास्तविक रूप से हो रहा है। साल भर में 6 घटनाएं हो चुकी हैं, पिछले दिनों एक बालिका लापता हो गई, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस उस पर काम नहीं कर पाई, उसकी लाश मिली अर्धनग्न अवस्था में लाश मिली और अब 24 घंटे बाद भी पीएम रिपोर्ट नहीं आ रही, तो ये कुछ तो किसी फिल्म से भी बहुत ज्यादा खतरनाक जो है रहस्यमय घटनाक्रम सामने दिखाई दे रहा है। बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रशासन के होते हुए, राजनेताओं के होते हुए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के होते हुए ऐसा सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना, हम इस पे चर्चा कर रहे हैं और इसके साथ ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इस बच्ची के साथ हुआ है तो बाकी की जो महिलाएं वहां पर, बाकी की जो युवतियां, बाकी की जो किशोरियां हैं, वो खुद को अनसेफ फील करती होंगी वहां रहने के बाद।
एक ये भी बड़ा सवाल उठता है। इस ऐसे घटनाक्रमों से बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है कि जो परिवार के लोग होते हैं, जो अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, जो हमने कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है वो लड़की पढ़ाओ बढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन ऐसी ऐसे घटनाक्रम के बाद में परिवार के लोग दहशत में आ जाते हैं और वो आखिर कैसे प्रोग्रेसिव मानसिकता के साथ में अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे। इसमें निश्चित रूप से जब कोई जिम्मेदारी होती है तो वो बहुत प्रशासन की होती है, प्रशासन जिम्मेदार होता है इस तरह घटनाओं का। और वो बड़ा कारण ये होता है कि जब वो लेट लतीफी करता है, लापरवाही करता है, तो उसका प्रभाव समाज पर देखने को मिलता है और समाज के लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने में आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं संकोच करते हैं और तकियानुचित ख्यालात में घिरे रहते हैं और इस तरह की घटनाएं जो है उन्हें बल देती है। बिल्कुल पंकज जी, अब तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें इससे साझा करने के लिए। तो शहडोल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जेतपुर से लापता किशोरी की लाश 4 दिन बाद कुएं से अर्धनग हालत में बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। किशोरी के लापता होने पर परिजनों ने थाने में उसकी गुमशुदगी भी रिपोर्ट उस पर दर्ज कराई थी और इसके साथ ही दुष्कर्म हत्या की आशंका के चलते ग्रामीणों में खासा रोष भी देखने को मिल रहा है। और वहीं लगातार ग्रामीण जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को इस पर न्याय मिलना चाहिए, परिजनों को इस पर न्याय मिलना चाहिए। अब देखने वाली बात आखिर यही होगी कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। गुस्साई भीड़ ने किशोरी का शव सड़क पर रखकर भी पुलिस से गंभीरता से जांच करने की मांग की है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि मृतका के जो पीएम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो भी परिजनों तक नहीं पहुँची है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।